मॉम्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माय डियर मॉम्स, आज के टॉपिक में मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है मेरी ये वीडियो। अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आपका जो जनरली आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनका बेबी जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, कि उनका जो एक ब्रेस्ट साइज़ बढ़ गया और एक छोटा हो गया। मीन्स अगर उनका छोटा सा बच्चा है जो फीडिंग कर रहा है, सिर्फ एक ही साइड प्रिफर कर रहा है और दूसरी साइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमारा जो एक ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाता है और एक छोटा हो जाता है और हमारा बच्चा भी कभी कभी दोनों ब्रेस्ट से फीड नहीं करता, एक ही ब्रेस्ट से फीड करना प्रिफर करता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो बहुत सारे ये टेंशन वाली बात हो जाती है कि ऐसा क्यों हो गया है, क्या मेरे ही साथ ही ऐसा हुआ है? तो प्लीज़ बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये मोस्टली सभी लेडीज़ के संग ऐसा होता है कि जो एक हमारा जो ब्रेस्ट है वो छोटा हो जाता है और एक है वो बड़ा हो जाता है। कब? प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे बॉडी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे बॉडी में नेचुरली जो दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, हमारी जो दूध की ग्रंथियाँ हैं वो बनना डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं। बच्चे को जब बच्चा जन्म लेगा, वो फीड करेगा, तो उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर होती रहती है। तो हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं उससे जो हमारा दूध बनता है, तो हमारे दोनों ब्रेस्टों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का बनता है। मीन्स हमारी जो एक ब्रेस्ट है उसमें गाढ़ा दूध बनता है, जिसमें कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो हमारे एक ब्रेस्ट में बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम गाढ़ा दूध। और वो जो हमारा ब्रेस्ट का साइज होगा वो होगा छोटा। लेकिन जहाँ पर अधिक मात्रा में जो हम लिक्विड वाली चीज़ें लेते हैं या फिर जो लिक्विड वाली चीज़ जो भी हमारे जो ब्रेस्ट में आती है वो हमारी दूसरी ब्रेस्ट में आती है, उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, यानी उस ब्रेस्ट का दूध होता है पतला, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशंस मिले उसका साइज़ हो गया छोटा और जहाँ पर पानी स्टोर हुआ वो साइज़ हो गया बड़ा। लेकिन क्या दोनों के न्यूट्रिशंस में या बच्चा अगर एक ही ले रहा है या दूसरा ले रहा है तो कोई दिक्कत होती है? देखिए, अगर वो दोनों में से कोई एक भी फीड कर रहा है, न्यूट्रिशंस में कमी नहीं है, ठीक है, बराबर की चीज़ें हैं दोनों में, लेकिन एक में जो गाढ़ा दूध बनता है और एक में बनता है पतला। तो कभी कभी जब बच्चा फीड करता है तो वो एक की तरफ ज़्यादा प्रीफर करता है, ठीक है। तो आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि आप अपने बच्चे को दूसरी साइड फीड कराने की कोशिश कर रही हैं लेकिन बच्चा उसे पी नहीं रहा, वो दूसरी तरफ आराम से पीने लग जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, कि आप बिल्कुल मत घबराइए। तो ये जो दिक्कत होती है हर लेडी में होती है, किसी किसी में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है और किसी किसी में कम होती है, किसी में ना के बराबर होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती हर किसी को है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्यों आपका जो एक ब्रेस्ट साइज़ है बढ़ गया और एक है जो वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये होता ही है ऐसा सबके साथ, तो इस चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैम, अगर ये जहाँ पर जो ब्रेस्ट साइज़ हमारा बड़ा है उसको अगर हमारा बेबी नहीं पिएगा तो फिर क्या होगा, क्या हमें जो गांठ बन सकती है हमारी ब्रेस्ट में? तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आपको अपने बच्चे को दोनों तरफ ही फीड कराना है। चाहे बच्चा आपको एक ही तरफ पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप क्या करोगे कि जब भी आपका बच्चा बहुत तेज़ भूखा हो और उसे बहुत तेज़ भूख लग रही हो तो आप हमेशा जो बड़ा वाला ब्रेस्ट है उधर ही आप बच्चे को फीड कराइए, ठीक है। अब आपको बच्चे को कैसे प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन देने हैं कि आपके बच्चे को दोनों ब्रेस्ट का ही दूध मिलता रहे बराबर मात्रा में, उसको न्यूट्रिशन की कमी ना हो, तो आप पहले आप जो बड़ा आकार का साइज़ है वहाँ पर लाएंगी, वहाँ 5 मिनट पिलाने दीजिए, फिर आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद फिर आप छोटे साइज़ वाले जो आपका जो ब्रेस्ट है वहाँ पर आपने अपने बच्चे को फीड कराएंगे। फिर 5 मिनट तक आप काउंटिंग रखिए या फिर आप थोड़ा सा आइडिया रखिए कि आपने कितना टाइम उधर पिलाया और कितना टाइम इधर पिलाया। तो इस तरीके से बार बार आप स्किप करते रहिए, ये नहीं कि आप क्या बराबर एक ही तरफ पिलाया जा रहा है, अगर बच्चा नहीं भी पी रहा है और बच्चा बार बार एक ही को प्रीफर कर रहा है तो आप उसी को पिला रहे हैं, नहीं। ऐसे करके आपको खुद की दिक्कत हो सकती है, वो दूध आपका निकल नहीं पाएगा और आपको दर्द हो जाएगा और वो साइज़ ऐसे ही बड़ा रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जिससे बराबर बराबर मात्रा में बच्चे को दूध मिलता रहे,
क्योंकि अगर आपने एक ही वेट से आप दूध पिलाती रहेंगी तो बच्चे को क्या होगा, लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे का पेट में दर्द हो सकता है, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो बराबर, जिससे कि एक प्रोपोर्शन बना रहे, दोनों तरफ से वो दूध पीता रहे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को 5-5 मिनट या 10-10 मिनट का गैप दे के पिलाती रहें। कभी कभी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि बच्चे को बहुत छिछड़ी पोटी आ रही है और बहुत गंदी आ रही है, अजीब अजीब सी पोटी आ रही है छोटे बच्चे को, तो ये ऐसे ही होता है, या तो बच्चा ने बहुत ज़्यादा पानी वाला ही दूध पी लिया जिसमें कि जो दूध की जो कंसिस्टेंसी बहुत पतली है वही पी लिया, तो बच्चा एकदम पतली पतली ही पोटी निकालेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बच्चे को इधर ही पिलाती रही, बच्चा सो गया, इधर का नहीं पी पाया, ठीक है। तो ऐसा बच्चे को बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे का पेट खराब हो जाता है, बच्चे को पानी जैसी पोटी हो जाती है। तो आपको टाइम टू टाइम स्किप कराते रहना है कि दोनों ही तरफ से बच्चे को दूध पीना है। और फिर अब आप कहोगे कि मैम ये दोनों साइज ऐसे ही रहेंगी, नहीं, आप अगर आपने ऐसा किया कि आप एक ही तरफ पिलाती रहें तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप क्या कर सकती हैं, आप बच्चे को स्किप कर करके पिलाती रहेंगी तो नेचुरली कुछ टाइम बाद जब आपका बच्चा आपको फीड करना बंद कर देगा तो ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके दोनों जो ब्रेस्ट है वो एकदम शेप में आ जाएंगे। हाँ, अगर कोई माइनर डिफरेंस रह गया तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जो लेडी का शरीर है वो कितना चेंज हो जाता है हार्मोन्स की वजह से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और बच्चा लगातार दूध पीते रहते हैं तो हमारी जो ब्रेस्ट एकदम सैगिंग हो जाती है, लटकी हो जाती है, तो उसके लिए भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको दोनों से टाइम टू टाइम चेंज करके पिलाना है। सपोज़ आपका बच्चा दूध पीते पीते जो गाढ़ा दूध है वही पीते पीते सो गया, दूसरे का नंबर नहीं आ पाया, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब जब बच्चा उठे और आप उसे फीड कराओ तो आपको उस वाले से नहीं लगा के उसको लगाना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं भूल गई अब मुझे कैसे ध्यान रखना है, तो आप एक हल्का सा कोई चिन्ह या कुछ भी अपने सुविधानुसार कुछ ऐसा लिख सकती हैं कि हाँ मैंने अभी इस वाले से बच्चे को पिलाया था, लेकिन अब जब मुझे नेक्स्ट पिलाना है तो मुझे इस वाले से पिलाना है। तो ये चीज़ अपने अपने माइंड में सेट करके रखिए ताकि आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहे और आपकी जो ब्रेस्ट साइज है वो भी एक कॉमन शेप में आ जाए, एक बड़ी एक छोटी ना लगे, लेकिन आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। अच्छा खाइए, हल्का खाइए अगर छोटा बच्चा है, फिर उसके बाद आप अपनी डाइट में हैवी फूड इंक्लूड कर सकते हैं, जंक फूड, स्पाइसी फूड ये सब एकदम स्किप कर दीजिए, ये सब मत खाइए, इनसे बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि एक साइज़ बड़ा क्यों है, एक साइज़ छोटा क्यों है, तो ये इसी रीज़न की वजह से ऐसा होता है। तो बिल्कुल मत घबराइए, एक टाइम पीरियड बाद ये एक नेचुरल शेप में जो आपकी एक्चुअल है उसमें आ जाएंगी। तो आई होप मैं आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू समझा पाई हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।